आप ऐसा है, वो तो गुलाब जी कटारिया आवेश में आ गए थे और वो मेरे से लड़ने पे उतारू हो गए। मैं तो मेरी बात आराम से कर रहा था। मैं कह रहा था कि राज्यपाल को अभिभाषण के लिए आप लेके आ जाते हो। राज्यपाल की एज इतनी हो गई है, पहचानते नहीं है। एक बार तो विधानसभा की तरफ आता है तो कह दे हवा में ला गया। तो ऐसे लोगों को मैंने कहा इनको आप घर पे बिठाओ, रोज ही अभिभाषण ला के पढ़ा देते हो। राजस्थान का किसान परेशान है, मूंग की खरीद होनी चाहिए। 10 दिन से मंडी पे लोग बैठे हैं और मूंग की खरीद सरकार नहीं करे। सरकार को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। नौजवान हड़तालों में बैठे हैं, RS एग्जाम का मुद्दा ले लो। ये जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, इस अभिभाषण को पढ़ने के बजाय ये काम सरकार को करना चाहिए। इसका विरोध हमने किया था और हमने आरोप लगाए थे कि ये राज्यपाल वही है जिन्होंने 5 साल तक वसुंधरा सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, बद्री घोटाला, खान घोटाला नारा लगता था। 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये राजस्थान में नारा लगा, तभी राज्यपाल कहाँ चले गए थे, ये बात मैंने कही थी। और इस बात के बाद गुलाब जी उत्तेजित हो गए और गुलाब जी ने बहुत ज़्यादा मेरे को धमकाने का प्रयास भी किया कि तेरे को देख लूँगा, ये कर दूँगा। तो मैं तो उनको यही कह रहा था, और आप गाड़ी गलौज की बात कर दो, उठा के देख लो कहाँ दी गाड़ियाँ। मैं तो उनको यही कह रहा था, मैंने कहा देख लेना आप, मैं यही कह रहा था मुझे देख लेना आप, यही तो कह रहा था मैं, और क्या। तो कह रहे मैं देख लूँगा आपको। और मुझे पता है जब गुलाब जी गृह मंत्री थे तो इनकी क्या स्थिति थी। एक बार इसी विधानसभा के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड दिए थे 2-3 मेरे को किसी मामले में, वो दूसरे दिन CM ने हटा ली थी। इन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी आपकी वजह से मुख्यमंत्री जी मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप तो वसुंधरा से रिश्ते रखो, मेरी वजह से खराब करने की आवश्यकता नहीं, मैं प्राइवेट गनमैन रख लूँगा। मैंने 2-3 प्राइवेट हाथों हाथ लिए, इनकी कोई औकात नहीं थी, DYS भी नहीं लगा सकते थे। ये तो जीत के आ गए, एक तरीके से बोझ है राजस्थान की विधानसभा में, रोज झेलना पड़ेगा इनको और ये पूरा राजस्थान झेलेगा। बातें ज़्यादा करते हैं, अनंतपाल भाग गया, अनंतपाल फरार हो गया, उसका एनकाउंटर हुआ, इनको पता ही नहीं, चीफ मिनिस्टर इनको सूचना दे रही है। ये तो नाम मात्र के गृह मंत्री थे। और शिकायत तो देखो, जो लड़ेगा संघर्ष करेगा उसकी शिकायत होगी। भगत सिंह जब देश की आज़ादी के आंदोलन में लड़ा था तो उसको फांसी हो गई थी। तो हनुमान बेनीवाल भी व्यवस्थाओं के लिए लड़ेगा, मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मैं मेरे लिए लड़ता और मेरे लिए कुछ करता तो वसुंधरा सरकार झूठे मुकदमे दर्ज करके मुझे अंदर भी डाल सकती थी, लेकिन मुकदमों के अंदर हाईकोर्ट ने कोशिश किए, जाँचों में कुछ भी नहीं निकला और एक के बजाय 3 लेके आया हूँ। लोकसभा के अंदर और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। और राठौड़ साहब मुझे ज्ञान दे रहे थे, मुझे याद है इन्होंने विधानसभा के अंदर चंद्रकांता की चप्पल उछाल के फेंकी थी, वो इतिहास का काला दिन उस समय था। आज कोई चप्पल जूते नहीं चले थे, आज तो एक हम हमारी बात रख रहे थे राज्यपाल के सामने। और उसमें गुलाब जी कटारिया जैसे वरिष्ठ सदस्य सीनियर जो गृह मंत्री अब है नहीं, लेकिन अभी भी उनका रोब ये कि मैं ही होम मिनिस्टर हूँ राजस्थान का। जब होम मिनिस्टर रहते हुए आप कुछ नहीं कर पाए तो अब आपसे क्या कौन करेगा। ये वहाँ इन्होंने मुझे धमकाने का प्रयास भी किया, और चूंकि मेरा दल छोटा है इसलिए इन लोगों ने जो 70 की संख्या में BJP जीती है, इन्होंने मुझे डराने का विधानसभा के अंदर प्रयास किया। मैं भी डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने कहा आप देख लो मुझे ही देख लो, बाहर क्या देखोगे, मैं देख लूँगा तुम्हारे को, तुम्हारा मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बताओ ये गुलाब जी को शोभा नहीं देता इतने वरिष्ठ व्यक्ति को, जो एक मैं तो 3 बार आया हूँ, 7-8 बार आए हैं प्रोटोम स्पीकर बन के, इन्होंने शपथ भी दिलाई लेकिन सारी बातें भूल गए, और राजेंद्र राठौड़ ने इशारा कर दिया और ये अखबार में छपने के लिए खड़े होकर बोल रहे हैं। इनको पता ही नहीं किसके खिलाफ बोल रहे हो। और ये जो गुलाब जी ये बात कर रहे हैं, इनके संघ के लोग तो मेरे से बात करने के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं मेरे से, मैं इनसे इनको मुँह ही नहीं लगाता किसी को। हनुमान बेनीवाल अलग से लड़ाई लड़ेगा राजस्थान के अंदर, ये चोरी छुपे बात करना चाहते हैं, मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहता। ऐसा है मैं तो DGP साहब से भी मिलूंगा और चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा, और अगर उनका अंदाज ठीक नहीं होगा तो हनुमान बेनीवाल अपनी स्टाइल चेंज नहीं करेगा। विधायक का प्रोटोकॉल DGP चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। कल मैं DGP के गया था और इसी मैं आपको बता दूं, इसी DGP को जालूपुरा MLA क्वार्टर भी बुला लूंगा जब मेरा होगा।